नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। मोदी मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को जगह, भाजपा अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई। नितिन गडकरी ने वेबिनार में कहा 2025 से पहले देश में सड़क हादसों में 50% कमी लाने का रखा गया है लक्ष्य। बार एसोसिएशन ने सीजीआई एनवी रमना को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का किया अनुरोध। अजय माकन ने बिजली बिल में फिक्स चार्ज को लेकर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, किया पंजाब का जिक्र। कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, 2 दिन में 5 दहशतगर्द ढेर। एचपी के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ व अखिलेश यादव ने प्रकट किया शोक। यूपी भी पहुंचा कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, 2 संक्रमित मिले, 1 की मौत। अनुप्रिया पटेल व कौशल किशोर सहित यूपी के 7 नेता मोदी सरकार में बने मंत्री। आगरा में विकास के नाम पर निकाले गए लाखों रुपए, निर्माण कार्य के नाम पर हुई हेराफेरी, सवालों के घेरे में आए एडीओ। बुलंदशहर में मासूम से रिक्शा चालक ने किया दुष्कर्म, पीड़ित परिजनों ने की पुलिस से शिकायत, शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। दलाई लामा के नाम से न्यूयॉर्क में खोला जाएगा पुस्तकालय, स्थापना में 37 करोड़ रुपए होंगे खर्च। इक्कीस सैंपलिंग बी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचेगी जिल बाइडेन, भारतीय मूल के बच्चों का दबदबा। पेंटागन ने माइक्रोसॉफ्ट को दिया बड़ा झटका, 70,000 करोड़ का दिया हुआ ठेका किया रद्द। यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया शुरू कराने का ईरान ने किया बचाव, कहा किसी शर्त का नहीं होगा उल्लंघन। लाहौर बसाने वाले आर्किटेक्ट सर गंगाराम की समाधि 10 साल बाद फिर से जनता के लिए खोली गई, कुछ लोगों ने कर लिया था कब्जा। धवन और भुवनेश्वर की टीम आमने सामने, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया के दूसरा इंट्रा स्क्वाड मैच खेला, फिजिकल ने धोनी को दिया इमोशनल मैसेज। एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ले सकते हैं संन्यास, श्रीलंकाई बोर्ड में उथल पुथल। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को राहत, खिलाड़ियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फेडरर का सपना टूटा, 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर क्वार्टर फाइनल से बाहर, वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच 9वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची। भारत की शेफाली वर्मा और स्नेहा राणा ने किया कमाल, आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित। ईशा देओल जल्द करने वाली है डिजिटल डेब्यू, अजय देवगन की रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में आएंगी नजर। सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस जूही चावला को 20 लाख का जुर्माना भरने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के सबसे विवादित और लंबे सीजन का 15 अगस्त को होगा फिनाले।
स्टेट ऑफ सी से डिजिटल डेब्यू को तैयार अक्षय खन्ना, सत्य घटनाओं पर आधारित है फिल्म। पांच 25 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।